लेकिन अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो आपकी सगी बेटी की शादी भी आसानी से हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस लड़की के आने से पहले घर के मर्दों में फूट पड़ गई है उसका रिश्ता लेने के लिए इस घर से कोई नहीं जाएगा। बस कर दे सलमा, कब तक बैंड डालेगी? नहीं अम्मा। देख वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ, ऊपर से ये तेरी भैं भैं। देखा देखा अब मेरा दर्द तुम्हें भैं भैं लग रहा है, दर्द दुख रहा है तुम्हारा। देख मैं कह रही हूँ मेरा सर मत घुमा, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। अरे अब काहे को परेशान हो, मुझसे पहले उसका मनहूस का रिश्ता कर तो दिया। पहले कहती थी उस मनहूस को सारी जिंदगी बिठा के रखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और अब देखो कर दिया उसका रिश्ता। अरे मुझसे पूछ, मैं कितनी मजबूर थी। पूछने की क्या जरूरत है अम्मा, मैं वही तो थी ना जब तुम रिश्ता तय करी थी उस अमीरजादे से। तू नहीं समझेगी सलमा, अपनी माँ को कभी नहीं समझेगी। अम्मा मैं वाकई तुम्हें नहीं समझी, सारी जिंदगी उसको जूते की नोक पे रखा और जब मेरी किस्मत घुलने की बारी आई उसके सर पे ताज सजा दिया तुमने। तुझे उसके सर पे ताज नजर आ रहा है मगर उसका नसीब देखकर मेरे कलेजे पे जो आरी चल रही है वो दिखाई नहीं दे रही। कल रात तो तुम बड़ी खुश थी, अब तुम्हारे दिल में टीसे क्यों उठ रही है? मेरी सगी औलाद इस झोपड़ में सड़े और वो सोतेली खजाने की चाबी उसके हाथ लग जाए तो मेरा दिल तो तर से फटेगा ना। वो सोतेली, अरे सोतेलापन तो तुमने मेरे साथ किया है। अम्मा अभी भी वक्त है, मना कर दो रिश्ता तुम। अरे बेटा मना कर सकती ना तो कल इकरार ही ना करती। क्या मतलब? वो लड़का रिश्ता मांगने नहीं बल्कि तय करने आया था। उसने कब कहा ये? उसने नहीं कहा मगर उसकी आंखों ने सब बता दिया था। आज फिर उसका फोन आया था, पता नहीं क्या बात करनी थी। और देख मैं तुझसे कह देती हूँ कि उससे हंस कर बात करना, तेरे लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा था। अरे बैठो बैठो, कैसी हो तुम? बैठो सना, आज आप ऑफिस क्यों नहीं आई? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तुम बताओ कैसी हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सना वो नासिर साहब कह रहे थे कि आपने मुझे जॉब से निकाल दिया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं सना? नहीं नहीं मैंने नौकरी से नहीं निकाला, मैं अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए एक ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर कर रही हूँ। मतलब आप बिजनेस बंद कर रही हैं? मतलब एक्सटेंड कर रही हूँ, अपना बिजनेस बढ़ा रही हूँ। इसके लिए मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, कुछ दूसरे लोग मेरी मदद कर रहे हैं। फिर तो काम बढ़ेगा ना सना, तो आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि मेरे पार्टनर ये चाहते हैं कि फीमेल स्टाफ जो है वो प्लानिंग में भले ही हो मगर मैनेजमेंट के लिए बार बार घर ना जाया करें। तो सना मैं प्लानिंग कर लूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम प्लानिंग नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि इसके लिए तालीम होना चाहिए। सना आप प्लीज मेरी नौकरी कहीं और लगवा दें। नूर I'm so sorry। दानिश मुझे अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए इसे फायर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शायद इसके लिए यही बेहतर है। सना को तो खुद दूसरों की मदद की जरूरत है, वो मुझे 2.5 लाख रुपए कैसे देगी? और अब तो नौकरी से भी निकाल दिया है। मैं अभी ये 30,000 रुपए दे देती हूँ, बाद में नौकरी करके चुका दूंगी। वैसे भी मेरे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं।
अब हमारे घर कौन सा हर वक्त लाइट आती है? अब पूरा फोन तो नहीं भेज सकती ना मैं बराबर वालों के घर चार्जिंग के लिए। आ गई मेरी बच्ची। तो ये मोबाइल कैसे चार्ज करती हैं आप? चूहे वाले चार्जर से। जी? कौन सा चार्जर? अब डेस्कटॉप चार्जर। वो जब लाइट आती है ना तो अपने फोन की बैटरी बराबर वालों के घर भेज देते हैं, वो अपना डेस्कटॉप चार्जर लगा देते हैं। कोई बात नहीं, कल मैं आपके घर यूपीएस भेज दूँ। सच्ची? चले मैं चलता हूँ अब। अरे बेटा जा कहाँ रहे हो, मुंह तो मीठा कर लो। नहीं आंटी फिर कभी सही। फिर परसों मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ले बेटा मुंह तो मीठा कर ले और कल से काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब क्या है अम्मी? अरे तेरे लिए मोबाइल लेकर आया है, देख देख कितना अच्छा मोबाइल है और सिम भी रखी हुई है। ये मुझे चाहिए, तुम ये ले लो। और ये वो परसों क्यों आएगा अम्मी? अरे उसका अपना घर है, जब जी करेगा आएगा। उसने खरीद जो लिया है, कह रहा था इसे तोड़वा कर नया बनवाऊंगा। और हम सब कहाँ जाएंगे? अरे हमारे लिए हैदराबाद में इतना बड़ा घर खरीदा है, मैं और सलमा तो अगले हफ्ते वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मेरा नहीं सोचा आपने, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तेरी तो शादी हो जाएगी ना, तेरी तारीख लेकर गया है, देख कितनी बढ़िया मिठाई लेकर आया है तेरी तारीख की। चला मुँह मीठा कर। नहीं अम्मी। अम्मा चाय। हटाओ यहाँ से। माफ कर देना अम्मा, शायद को खोने से डर गई थी। दुनिया से निराला खौफ है तुम्हारा, जिसने तुम्हें मेरे नवासे से सवाल जवाब करने की हिम्मत दी थी। बस कर देना, आइंदा नहीं होगा। आजकल बहुत जल्दी झगड़ने लगा है तुम्हारा लाडला। ये अभी तक गई नहीं है यहाँ से। देखो साहिर बेटा, अभी तक तो देख रहा हूँ लेकिन ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर है कि ये मेरी शादी से पहले चली जाए। तुम्हारी शादी? हाँ माँ, परसों बारात लेके जानी है ना आप लोगों ने। परसों? हाँ, आपने तो कहा था कि तारीख दे आओ, हम बारात ले जाएंगे, तो अब दे आया हूँ। अब तक तो माइयों भी बैठ गई होगी। वो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। हमारा पोता खुश, वो लड़की खुश, तो हमें और क्या चाहिए? और खत्म करो ये लेकिन वेकिन और अगर मगर का राग अलापना। हमारा पोता तारीख दे आया है। आपका पोता दो दिन बाद की तारीख देकर आया, इसका मतलब समझती हैं आप? हाँ हाँ समझती हूँ। इसका मतलब यही ना कि परसों बारात लेकर जाना है। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो, जाओ जाकर बजवाओ शादियाने। तुम क्या बैठी मुंह देख रही हो, जाओ जाकर इसकी नजर उतारो। जी अम्मा, ये आप क्या रही है? शक्ल देख इसकी, इतना तो ये महंगे से महंगा खिलौना लेकर भी खुश नहीं हुआ जितना आज है। बेमान गई हूं ना, तू भी बच्चे की खुशी कबूल कर ले, क्या पता इस तरह इसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। अरे मेरा जानी राजा, अरे राजा की आएगी बारात। मेरा शहजादा दूल्हा बनेगा। तुम तो उसके पैसे लौटाने वाली थी ना, फिर ये सब कैसे? जोड़ा पहना या नहीं, या तुझे गरम चिमटा लगाऊं? हाथ दिखा, अंगूठी पहनी? नहीं पहनी ना, तेरा हाथ जलाना ही पड़ेगा ताकि मुझे जवाब देने के लिए दो। नहीं पहन रही। आंटी आप ये ठीक नहीं कर रही,
तुझे यहाँ पर इसे समझाने के लिए बुलाया था, बेहतर है वही कर। मुझे ना समझा क्या गलत है क्या सही। तुम्हारे कोई खाला या मामू हैं? चाचा, फूफो? कोई नहीं है। अगर होता भी तो इतने अमीर आदमी के सामने बोलता कौन? और लड़ना तो मुमकिन ही नहीं। कोई कोई तो लड़ भी सकता है। नहीं नूर, सब अपनी इज्जत से डरते। किसी से नहीं डरता। कौन? हाय आलिया, हाय, रातों रात इतना सब कुछ आ गया जैसे लॉटरी लग गई है। हाँ बहन, जिसे दिन और रात जूतियों पे रखा उसकी वजह से आज घर में नया टीवी, नया फ्रिज, वो देखो नया यूपीएस भी लगवा लिया है। लोगों पे ये तो नजर आता है कि घर में नया टीवी और फ्रिज आ गया, लेकिन ये नजर नहीं आता कि मैंने अपनी सगी बेटी के होते हुए सौतेली का रिश्ता पहले और अच्छी जगह पर कर दिया। वैसे आलिया, लोग तो देखे भाले ना तुम्हारे, मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं तुम इतनी सादगी से बच्ची का निकाह कर रही हो। मैं जितनी चादर हो ना इतने पांव फैलाने के कायल हूँ। सादगी से ही करूंगी ना, जब पैसा नहीं है तो कहीं चोरी या डाका तो नहीं डालूंगी। ए बहन, तुम्हें चोरी डकैती करने की क्या जरूरत है? चार साल से नूर कमा तो रही है, उसकी कमाई से तुमने कुछ जमा करके नहीं रखा? तुम्हें बड़ा हिसाब किताब है नूर की कमाई का। अरे बिन माँ बाप की बच्ची है, थोड़ी सी रौनक लग जाती तुम थोड़ा धूमधाम कर लेती तो। ऐसी शादी तो किसी गरीब बेवा की भी नहीं होती जो तुम उस गरीब की कर रही हो। जितनी रौनक लगाई है ना उसी ने लगाई है, अगर इससे ज्यादा धूमधाम की ना तो बारात आने से पहले ही पलट जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा मुंह ना खुलवाओ, सारे महल्ले वाले आकर मुझे इसके लक्षण बताते हैं। अब देखो ना, उस दिन तुमने भी तो देखा था इतनी बड़ी गाड़ी में आई थी वो, याद नहीं है तुम्हें? जारून बेटा, वैसे तो मैं बिना लगे लिपटी रखे का हूं। वैसे तो ये बात हम बड़ों में करने की है, लेकिन चूंकि तुम खुद को ही अपना बड़ा मानते हो इसलिए हम काम की बात करें। परसों साहिर की शादी है और ये किनारा जो कुछ लड़की वालों के घर करके आई है उसके बाद साहिर इसे देखना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर है कि इसे। अम्मा, आपने नई लड़की के घर क्यों भेजा? सारून बेटा, चंद दिनों की तो बात है, तब तक शायर का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, फिर मैं खुद ले आऊंगा इसे वापस घर, लेकिन तब तक तुम ठीक है, अभी आपके घर पे नहीं रहेंगे। तुम्हें जो सामान लेना है वो ले लो, मैं तुम लोग को गुलशन वाले घर छोड़ा था। इसकी जरूरत नहीं है, अगर मैं लेकर जा रहा हूं तो समाधि मैं खुद ही उठवा लूंगा। जुबैर, शकील से कहो कि अम्मा का सामान उठाएं और मेरे बड़ा वाले कमरे में रखवाएं। बेटा, तुम किनारा का सामान अपने बराबर वाले कमरे में क्यों रखवा रहे हो? डायरेक्टली गुलशन क्यों नहीं जाते? इस घर में आधा हिस्सा मेरा भी है ताया। लेकिन बेटा, घर तो एक है ना, अलग अलग हिस्से थोड़ी हैं। आप बेफिक्र हैं हाकिम दादी, साहिर की शादी से पहले पहले मैं मजदूर बुला के दीवार उठवा लूंगा। सारून बेटा, लेकिन तुम तो डेढ़ एक महीने बाद चले जाओगे, ऐसे में घर के बीच में दीवार खड़ी करने की वजह? मेरे जाने के बाद भी ये मेरे हिस्से में ही रहेंगे। तब तक तो उसका गुस्सा उतर जाएगा, अभी तो वो ये समझता है ना कि किनारा उसकी सास के नाम पर्चा लिखकर उसका रिश्ता खराब कर गया है। तो आपने बताना था ना
कि एक सीधी साधी अनपढ़ औरत जो बोल नहीं सकती, अपना नाम नहीं ले सकती, वो कहां से कोई पर्चा लिखकर देकर आएगी? वेल, नक्शे के अप्रूवल होता रहेगा, काम तो शुरू हो जाने दें। तो कंस्ट्रक्शन हमें घर के बाहर थोड़ी करवानी है, घर के अंदर दीवार खुड़वानी है। जी, कोई अथॉरिटी नहीं आएगी, और अगर आएगी तो मैं देख लूंगा ना। क्या हुआ मां, बात तो करने दो। मैं आपसे बात करता हूं। अच्छा सुनो ना, मैं ये तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, घर तोड़ फोड़ रहा हूं, अलग कर रहा हूं, मैं ताया की बीवी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उस साहिर की बीवी, उसको कैसे बर्दाश्त करूंगा? उसने यहां पर इंजाम लगाया है, आपका दिल बहुत बड़ा है, जो इतना जलील होकर भी उसे मजलूम कह रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं इतना बड़ा। मैं उस लड़की की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, आप शामिल हो जाएं, मैं जा रहा हूं। ताहिया फोन करे तो ये उनको दे दीजिएगा।